हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नरगिस चौहान चैनल में आपका स्वागत है। मैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि घर की मलाई से मक्खन बनाकर मक्खन से घी किस तरह निकालते हैं, तो अभी मैं ये दूसरी वीडियो और बना रही हूँ। उसमें मैंने बीटर यूज़ किया था कि बीटर की मदद से आप घी निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ स्पून से निकाल कर दिखाऊंगी। ये स्पेचुला है मेरे पास और आपके पास सिंपल स्पून है, सिंपल चम्मच है, आप उससे भी निकाल सकते हो। मैं फिलहाल मैं ये यूज़ करूंगी स्पेचुला। तो ये देखिए मेरी 8 से 10 दिन की मलाई है फ्रेंड्स, 1 लीटर दूध की 8 से 10 दिन की मलाई है, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे तक बाहर रखा है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि मैं फ्यूज़र में रखती हूँ तो काफ़ी जम जाती है मलाई, और अभी ठंडी का मौसम है इसलिए बहुत टाइम लगता है इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर। तो मैंने 5 से 6 घंटा इसे बाहर रखा, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। अब मैं इसे इस भगोने में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। नरगिस चौहान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मलाई को तपेले में खाली कर दिया है, पूरा डब्बा पहुँच कर साफ कर लिया है, और अब हम इसमें एक सरी की 1 से 2 मिनट तक चम्मच घुमाएंगे। बस इसी तरीके से आपको चम्मच घुमानी है, लेकिन मलाई आपकी एकदम रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपकी मलाई थोड़ी भी अगर ठंडी है तो आप चम्मच से आपको थोड़ी मुश्किल होगी निकालने में, पर निकल जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। और ये जो प्रोसेस है इसमें 2 से 3 मिनट में आपका मक्खन निकल कर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मलाई है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में ही आपका मक्खन निकल जाएगा, बल्कि 2 मिनट भी नहीं लगेगी। मैंने बिल्कुल ये वीडियो को एडिटिंग नहीं की है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा घी निकलना मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया है, बटर निकलना। कोई मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ मलाई इकट्ठा हो चुकी है और मुझे मक्खन निकालना है, तो उसे आप थोड़ी देर फ्रिज से बाहर रख दीजिए। गर्मी है तो वो 1 से 2 घंटे में हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, और अगर ठंड है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मक्खन जो है वो निकल चुका है। ये देखिए, आपसे बातें करते करते ही मक्खन निकल चुका है, मक्खन अलग हो चुका है, ये पानी हमारा जो है वो अलग हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर में इसे और अच्छी तरह फेंट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अच्छा खासा घी बिना मेहनत के निकल चुका है, बटर निकल चुका है अच्छा खासा। देखिए आप, ये मैं आपको पानी दिखाती हूँ, ये देखिए आप, पानी आपको दिख रहा होगा शायद वीडियो में। ये देखिए मेरा मक्खन जो है वो बिल्कुल निकल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, कोई मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा बर्तन भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मिक्सर में भी हम ग्राइंड करते हैं तो उससे धोने में बहुत दिक्कत होती है, वो जल्दी साफ नहीं होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मक्खन जो है निकल कर तैयार हो चुका है, जो कि 8 से 10 दिन का है, इसलिए मैं इसमें से निकाल कर झाड़ कर और अच्छी तरह धोकर 1 से 2 बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा 8 से 10 दिन की मलाई के अंदर कितना मक्खन निकला है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मक्खन को अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया और इसकी एक अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ कर इसमें सब पानी बाहर निकाल दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 8 से 10 दिन की मलाई में हमने कितना घी निकाला है। मैं अब आपको स्केल
स्केल में आपको वेट कर कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्केल से मैं आपको वेट कर कर दिखाती हूँ कि हमने कितना निकाला है घी। ये मैंने एक बर्तन रख दिया, देखिए फ्रेंड जीरो है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना मक्खन जो निकाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा 467 हमारा मक्खन है। अगर मैं ये चम्मच में जो चिपका है वो भी अगर मैं इसमें डाल दूंगी तो हमारा 500 हो जाएगा। तो 10 दिन की मलाई जो कि मैंने बस ये एक डब्बा भरा था मैंने मलाई से पूरा, उसका मैंने 500 ग्राम मक्खन निकल चुका है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्केल पे वेट कर कर भी दिखा दिया है। और अब हम इसको पिघला लेंगे और बटर से हम घी बना लेंगे। तो उसका प्रोसेस आप मेरी पहली वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं, कि ज़्यादातर लोगों को पता तो है ही कि मक्खन से बटर तो गर्म करके निकल जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है फ्रेंड्स। आप अगर आप देखना चाहो तो मैं आई बटन पे उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।